जा बनी एकदम पहले जैसी चाय, आखिरी प्रेम रस में डूब नहीं पड़े रमेश जी को अपनी चांदनी के लाने। आज से तो रोज ऐसी सुबह ही जल्दी उठें और रोज इनके लाने अच्छी चाय बना के दें, फिर इनको मधु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे जी कहे कहाँ हैं? हारे तो नहीं चले गए मोटर चलावे? अगर अपन चाय की दुकान खोल ले गए तो पूरे मध्य प्रदेश की दुकान कर लो। वैसे कहाँ से सीख लग जाए इतनी स्वादिष्ट चाय? चाय? चाय तो बहुत छोटी चीज है, आपके इश्क में तुम्हें ट्रैक्टर बनाना सीख लूं? रहन दे रहन दे, इंजीनियर बेरोजगार हो जाए बेचारे, कबाऊ लड़ुआ कबाऊ चाय कबाऊ दिल, मतलब हमें फंसावे के नए नए तरीका ढूंढे जा रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको फंसा रही हूं? और जो आपने मेरे दिल पे काला जादू करके रखा है उसका क्या? मुझे सोते जागते उठते बैठते हर जगह बस आप ही आप नजर आते हैं, उसका क्या? मैं हाँ ठीक है, हम इनको नहीं गा रहे हैं, हमारी गलती है, ठीक है, हम स्वीकार कर ले रहे हैं, सब कुछ हम ही ना करो है, अब जान दे हमें। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप। आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे और मुझसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे। मोटर चालू कर भी जाना है, लाइट आवे वाली हुई है खेत की। बाहर में जाए मोटर और जाने दो लाइट को। आपको लाइट की पड़ी है और मुझे जो आप पे प्यार आ रहा है उसका क्या? मधु मजाक बहुत हो गया यार, अब डसो ने तुम। मैं डस रही हूं? मैं क्या नागिन हूं जो आपको डसूंगी? अरे तो हर चीज की समय सीमा होते है यार, ब्याह भावी को मतलब जो नहीं कि 24 घंटा तुम से चिपके रहे, रात तो रात, तुम तो दिन में भी नहीं छोड़ रही। छोड़ो ठीक है, जाओ। मुस्कान सच कहती थी, अपना पति अपना ही होता है। आज मेरा खुद का पति होता तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करता। हम भी तो तोरे ही आए। नहीं, तो कौन के आए? चांदनी दीदी के। मुझ पे तो आप सिर्फ दया कर रहे हैं। ठीक है, तुम मत करो दया, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि कोई मुझ पे दया कर सके। अरे ये रोगाव नहीं यार, देव तुम्हें पता है हम कोई रो तो नहीं देख सकत। नहीं देख सकते? नहीं। ठीक है, तो खेती किसानी को मारो गोली और मेरे साथ बैठो। अरे वो भी जरूरी है यार, आखिरकार हम किसान आए और अगर किसानी पे ध्यान नहीं दें तो कैसे चले? चलो जान दे। नहीं, आफत है यार। अच्छा काले हो जान देवी को। एक किस्सी आओ ले ले। Thank you.
आंखें फूटी जा रही जो सब देखत देखत। सहन शक्ति की भी एक लिमिट होता है, लिमिट पार कर दी आज इसने। देखो दीदी, इतने जे कछु भी हो रहा हो अपने ही कारण हो रहा हो, काहे अपना ही दोषी है इनमें, काहे बेलवा अपन ने ढील ले दई है, सुबह स्नान बन गाओ है। हाँ हाँ, हम ही हैं फसाद की जड़, हम ही ने करो है जो करो है सु, हम ही ने लगाई है ना अपनी जिंदगी में आग, तो अब हम ही ऊपर पानी भी डाल रहे हैं। इस मधु नाम की बीमारी को तो हम जड़ से मिटा के ही रहे हैं। बहुत रह लो उन्हें इस घर में, और वो को हम घर से धक्का मार के निकाल हैं। पागल हो गई क्या तू दीदी? कान अर्थ कर भेजा रही, अगर तुमने ऐसा कछु भी करो तो जीजा के दिल में वो मधु के लाने हमदर्दी और ज्यादा आ जे। फिर हुई है जो अबे तो जी जाने मधु के लाने अपने चरणों में जगह दई है, फिर भी दिल में दे दे हैं तो फिर तुम बैठ के रुइयो जीवन भर। तो का करन लगे यार, कौन सो जतन करे कि जी में हमें पहली खाई चाहन लगे जी, का करें बताओ। अरे चाहत तो जीजा अबे भी तुम्हें को है, वो तो काहे बितनक मार्ग से भटक गए, ओ मधु के इश्क ने जीजा की दिशा बल दई है, सो अब तो मैं कछु ऐसो करने पर है, अपनो प्रेम जाल बिछाने पर है जो मैं जीजा गिरफ्तार हो जाए। लेकिन कैसे भी हमारे पास आए यार? कछु छल से कछु बल से। मतलब जो है एक कैसा भी करके जीजा को अपने पास रखो, और मधु से भी नोने बतियाओ, तुम प्रेम से बहुत प्रेम से बतियाओ, का दिक्कत है अपन को, बस जीजा को मधु से दूर रखो, लिंगा ले जा पाए जीजा का है क्यों, मधु की प्यार की लाइट से अपने जीजा को बल्ब जल जाते है, तो कैसा भी करके तुम्हें वो बल्ब फ्यूज करने हैं। लेकिन मैं मानते कहाँ हैं यार, 24 घंटा हुई से तो चिपके रेत, हमें तो भी भूलते ही से जा रहे। अरे उनके तेने भूल पे बाप, तुम टेंशन ले लो, हम एक चुटका ले आ रहे। चुटका? मतलब टोटका, टोटका। कैसे टोटका? अरे तुम घरे रुको, आध घंटा में आ रहे हम, ठीक है? तुम्हें तैयार ठो हमारे। जो देखो दीदी, मुंडी भूत की तुर्गा वारे बाबा को चमत्कारी काड़ो। काड़ो? हाँ काड़ो। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से ले आओ तू? अरे हम पहले से ले आए धरे थे, हमें पता है तो कि ऐसी चीजों की जरूरत तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले जाने, तो हम पहले से ले आकर धर लो। तो इसे एक काड़े में ऐसी दिव्य शक्ति है कि एक औरत और एक मर्द अगर एक काड़े को जूठो करके पी लो तो 24 घंटे तक एक दूसरे से दूर नहीं हो सकत। अच्छा? हाँ। तो फिर जो काड़ो तुम जूठो करके रम्मू जी मतलब हमारे जीजा जी को पिला दो, फिर देखो तुम 24 घंटा तक जीजा तुमसे दूर नहीं हो सकत, बिल्कुल तुम्हारे छुट्टा में बंद जे, पछियानो पर है जीजा तुम्हारे पीछे पीछे पिया वैसे। जो अच्छो है यार, कम से कम एक आध दिनों तो जी हमारे संग बैठे। और तो दीदी हम चले
काहे माई मोटर की आयल सील कट जाते है चलत चलत, तो हम जा रहे मोटर देखें, तुम अपनों काम करो, ठीक है? हम निकल रहे। अब जो मोना काहे के लाने फोन लगा रही, सुई एकदम से केत है आप घी की, वो तो जाके घर में रखो तो ना, तर हम का करते अब आई बेसोस के दाव नहीं है दिया है बन के लाने। जा कहां जा रहे यार? दीदी जो का रखो, शायद जचानी दीदी की अमीर आदमों वाली चाय आए, तनक हम भी तो पी के देखें। या कितनी कड़वी, हमें नहीं पीने। दीदी दीदी घी ले आए। का रामू बज्जा, जा कैसी चाय आए? अच्छा जोन भाई एड देखा था टीवियों में, भाई चाय आए शायद बा ग्रीन टी बारी। हाँ वाह यार वाह, आज चलो कम से कम देखवे तो मिल गई। देखवे काबे से चाय तो पी भी सकत है, काहे ऐसे मौका बार बार नहीं मिलत। इतनी बड़ी हाई फाई चाय है भाई, महंगी भी आत अपनी तो औकात से बाहर है। पी के देखन दो। मुँह में गोबर सो घर गाओ रे, ऐसे कैसे बड़े आदमी, बड़े आदमी के चक्कर में भी घोड़ा को मुंह तक पी जाते। रमू भज्जा, ए रमू भज्जा, नहीं सुन रहा इतने सुनो, अब कहा है बड़े आदमी, पर भाई की दो दो शादियां हो गई, कहाँ टाइम अपने जोड़ ले वो सटक है। जी दीदी और दीदी, परी परी है एक परी, नाम है उसका चुलबुली, मेरे सामने है खड़ी, मुझे इससे प्यार हो गया होए, मुझे इससे प्यार हो गया। संजू संजू तेरी चुलबुली तुझको पुकारे, आजा आजा। जो का हो रहा दीदी, कचो ही देख भी किलाने जिंदा हते यार। अरे यार का रे यार, अरे यार भैया जो सब हमारी वजह से हो रहा हो, मतलब तुमने हमें जो काड़ा दाओ तो ना वो हम संभाल के नहीं रख पाए। अरे यार भाई तो कह रहे कि हमारी चुलबुली नहीं करता करते हैं सो,
कितनी लापरवाह हो यार दीदी तुम का है? नहीं मतलब बा। अच्छा तो जो तो तुम असली रूप बेशरम इंसान तनक तो मैं प्यार को लिहाज करते उस शादी सुधा लुगाई को नहीं बख्श रहे तुम। और तुम बन लो लैला, देख लो अपने मजनू को असली रूप। तुम यार हमारे घाव पे अब नमक न छिड़को। तो करते ही क्यों ऐसे काम जिनसे घाव लगे? अरे करत कोई नहीं है यार, हो जात। हमें खुद पता नहीं चलो हम कब इन को चाहन लगी, लेकिन आज आज जी हमारी नजरों से गिर चुकी है। बिल्कुल नहीं गिराओ, जाको ता उठाओ उन निब्बू ले आओ। निब्बू? हाँ हाँ निब्बू। कैसे इतने जी कछु भी हो रहा है वो मैं इन दो ही निर्दोष प्राणियों की कोई गलती नहीं है, सो अपन को टेंशन लेवे की जरूरत नहीं है। कैसो कार्टून आदमी है रे तू, तोरी लुगाई कौन मोर के संग गाना गा रही और तू कह रहा टेंशन लेवे की जरूरत नहीं है? अरे दीदी जी आप टेंशन नहीं लो, कैसे इतने जो भी क्रिया हो रही है वह एक जड़ी बूटी के कारण हो रही है। एक मिनट, कैसी जड़ी बूटी? दीदी एक जड़ी बूटी है जो कि अगर अपन भी ओ को इस्तेमाल कर ले हैं तो ऐसा ही गाना अपन दो जने गए हैं। सो बाजड़ी बूटी ले आओ को हत हुए थे। जो जो मुनीम जो जे कछु ने करे वो कम है, काहे हमारी घरबारी है भोली भाली सब धोखे से उना पीले गुज्जबा काहे चटाऊ है सो खावे पीवे बारी चीजें छाट ले उने चल ले आओ जो मुनीम। जो अब वो जो कछु भी भैया हमसे जो सब देखो नहीं जा रहे रुको अलग अलग करो कछु भी करके। बे तो आप भाई दूर हो जे तुम निब्बू लिया निब्बू। फिर जब नींबू चटाया तब जाके उन्हें होश आया, फिर चुलबुली रोने लगी और मुनीम जी ने सबसे माफी मांगी, स्पेशली मुस्कान से। मुस्कान से तो जरूर ही मांगी हुज्जे, नहीं तो नुकसान हो जाता। अच्छा सुनिए, मैं मुस्कान को बचपन से जानती हूँ, मैं रख देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। आपके मुनीम जी बहुत खुश रहेंगे उसके साथ अगर उन दोनों की शादी। अरे हम नहीं यार कछु कह सका था, उनकी जिंदगी बेजान है। अरे तो मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी मुनीम जी कैसे हैं, बीच मझधार में मेरी सहेली को छोड़ तो नहीं देंगे? ऐसी तो नहीं है, संजू भज्जे बहुत अच्छे आदमी हैं, हम भी उनके लाने बचपन से जाना था। हाँ तो क्या दिक्कत है अगर हम उन दोनों को एक करवा दे तो? बे पहले से दो जने एक हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से एक हो चुकी हैं, अब अपन कौन है एक करवा भी। अरे लेकिन शादी तो करवानी पड़ेगी ना। तो तुम का चाहत के हम तुम्हारी सहेली को कन्यादान करा फिरें? अरे बाबा मैं तो बस उनका सपोर्ट करने को कह रही हूँ, बाकी तो वो खुद कर लेगी। हाँ बात तो सब कछु कर ले, सबका जुगाड़ ले, कैसे आए तो तुम्हारी भी सहेली। क्या मतलब? मैं जबरदस्ती करती हूँ आपके साथ? ठीक है आजाद हैं आप, नहीं करूंगी कोई जबरदस्ती। अरे पागलू मजाक कर रहे थे यार, मजाक भी नहीं समझत का? सुनो तो का कर रहे आप इतने? कछु नहीं, तुम इनके दो मधु के लाने टाइम दे, ओ को ख्याल रखो तो।
हाँ तो अच्छी बात है कि आप हमारी बात मान रहे हैं, लेकिन आप इतने से उठो और हमारे संगे चलो, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो ठीक है। अब आप कहूँ नहीं जा रहे हो, आज की रात रमेश जी रहेंगे चांदनी के साथ। वैसे तो मैं कछु जरूरी बात करने थी। भूल गए हैं, जब याद आ जाए सो कर ले हैं। ठीक है, अब आप सो जाओ आराम से, जब तक आप कहूँ नहीं जाऊँ सो जाओ। ठीक, याद आए तो कर ले हो। कहाँ? बाथरूम कर भी जा रहे थे। हाँ तो 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाए ना, तो 10 मिनट में वापस आ जाइयो, नहीं तो अगर आप नहीं आए तो हम उतने ही आ जाए। ठीक है, तुम्हें कहूँ नहीं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। कर लौटने पर हम आए ना, बस 10 मिनट है, अच्छे से सुस्वीकार पे हैं, तुम कर ले दो यार। और जो मैं आपसे रूठ गई हूँ मुझे कौन मनाएगा? सबेरे मना ले हैं यार, सबेरे। ठीक है, अबे जान दे। हे भगवान, एक ही तो पति है मेरा, उसी के पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है यार। इमोशनल अत्याचार न करो तुम, ठीक? मधु, मधु क्या हुआ दीदी? वो इतने काम हो, चार जने को कहूं? चलो ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं, ऊपर देख ले रहे हैं। कहाँ गए यार जी? इतनी रात हो गई, इतनी रात में कहाँ चले गए? नींद में नगबे की बीमारी हो गई क्या? नहीं नहीं, हम तो बस आपके लाने देख भी के लाने गए थे, बाहर बहुत ठंड आएगी ना। इतने भी नहीं है।